दो कप मैदा आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। इसमें मिल्क डाल रहे हैं, इसको थोड़ा मिक्स कर दिए हैं। तो थोड़ा सा साइड करते हैं इसको घी डालने के लिए। ये हल्का गरम की हूँ, ज़्यादा गरम नहीं होगा ये, हल्का गरम घी डालने। 100 ग्राम अरे 2 कप हम मैदा ली हूँ, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, केसर रखी हूँ, बेकिंग पाउडर है। मिठाई बनाने के लिए देसी घी ली हूँ, मिठाई का घी ली हूँ देसी वाला। ये शुगर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु और वेलकम टू माय चैनल तोहफा खजा, में सबका स्वागत है। चलो हम आपको एक न्यू रेसिपी आपको आज दिखा रहे हैं, गोजा। हम लोग उड़ीसा में गोजा बोलते हैं और बंगाल में भी गोजा रेसिपी बोलते हैं, तो आप लोग में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो हम अपना स्टाइल का बनाते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, अपना फैमिली में खिलाइए एंड आपका परिवार में छोटे छोटे बच्चे को खिलाओ, माशाल्लाह सब खुश होंगे, इंशाल्लाह तारीफ भी होगा। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर दी हूँ, थोड़ा सा। जब मीठा बना रहे हो उसमें थोड़ा सॉल्ट देने से ना बहुत मज़ेदार होता है, माशाल्लाह टेस्ट करो आप लोग भी। चलो इसको ऊपर में डाल रहे, पानी दे रहे हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखो गाइस, हम ऐसा आटा बुन चुके हैं, ज़्यादा हम लोग उसको बुनेंगे नहीं, जो हमारा खास्ता पना है, ज़्यादा करने से खास्ता पना चला जाता है, तो उसको 10 मिनट के लिए हम डाल, 10 मिनट के लिए हम ये ओवन में पैक कर चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको बनाते हैं। 2 कप चीनी ले चुके हैं, कम से कम 400 ग्राम चीनी। हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा चाशनी के लिए। हमें केसर डालेंगे, देख सकते हैं सब कलर आने के लिए है। थोड़ा सा इलायची पाउडर, गाइस थोड़ा नींबू का रस डाल रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे नींबू का रस क्यों डालें, नींबू का रस आई थिंक हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमारा चीनी का जो चाशनी जो फटे ना, जैसा मोटा मोटा ना हो, अच्छा हो और सॉफ्ट रहे हमारा गजा। 10 मिनट हो गया गाइस, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है। 10 मिनट में मोटा रखी हूँ, हम लोग साइड से काम करते हैं। काट चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं, इसको हम लोग बड़ा बड़ा पीस करेंगे, पूरा गज्जा जैसा रहता है हलवाई वाला सेम उसी होगा। हम काट के आपको बताते हैं। ऊपर उठने लगा, जब ये ऊपर उठने लगेगा तब चम्मच मारो, इससे पहले चम्मच नहीं मारना है। क्यों? अब इसको पलटाना है, हम धीमा आंच में कर रहे हैं गाइस, अब इसको हम लोग तेज में करेंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ। गाइस कलर चेंज होने लगा धीरे धीरे, हुआ कितना मोटा लहर आ रहा है देख रहे हैं, माशाल्लाह। खाजा फटा हुआ है, देखो जैसा दुकान में हलवाई में सब फटता है, आप देख सकते हैं, एक दिखा रहे हैं मसाला, देख सकते हो पूरा सेम फटा हुआ है।
जीरा में डुबाई हूँ और इसको हम निकला के दिखाते हैं कितना बेस्ट और सुंदर और खूबसूरत खाने में कितना टेस्टी कितना यम्मी लगेगा, माइंड ब्लोइंग। चलो आपको हम थोड़ा देर में मिलते हैं, 15 मिनट बाद। हाय गाइस, देखिए ये हमारा खाजा बनके तैयार। जैसा हमारा बनता है इसमें हलवाई के दुकान में, देख सकते हो कि सब फटा हुआ है, माशाल्लाह देख सकते हो, उतना खाने में भी टेस्टी। देख सकते हो पूरा खाजा जैसा हमारा हलवाई बनाता है। इसको तोड़ के थोड़ा बताते हैं, देख सकते हो यम्मी, माशाल्लाह। एक तोड़ के दिखाते हैं आपको, डन। ठीक है, अभी के लिए हम ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। मेरा चैनल जब आप लोग को अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। प्लीज़ 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 ये रेसिपी अपना घर में खिलाओ और सबका मन जीतो, और अपने बच्चे लोग के प्यारे प्यारे ये रेसिपी खिला के उनका मीठा मीठा जुबान को और मीठा बनाओ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।